वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है केएस तोमर। एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए स्टूडेंट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करेंगे बीएड 2019 को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो 16 दिसंबर 2018 को बीएड एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट इग्नू ने डिक्लेयर कर दिया है। आई होप आप सभी ने चेक कर लिया होगा, मैंने कल आपको इन्फॉर्म कर दिया था। बट जिन स्टूडेंट ने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है, आज मैं इस वीडियो में उन सभी को बताऊंगा कि कैसे उनको अपना रिजल्ट चेक करना है और रिजल्ट क्वालिफाई करने के बाद क्या प्रोसीजर है और क्या हम क्वालिफाइड होने के बाद ये कन्फर्म है कि हमें इग्नू में एडमिशन मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो रिजल्ट चेक करने के लिए हमें चलना होगा इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.ignu.ac.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इस वेबसाइट पर आप नीचे जाकर देखेंगे तो यहाँ पर अलर्ट सेक्शन में दिया हुआ है रिजल्ट ऑफ बीएड एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड ऑन 16 दिसंबर 2018, यानी कि जो 16 दिसंबर 2018 को बीएड एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट इग्नू ने डिक्लेयर कर दिया है। तो इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा और जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक यहाँ पर नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे जाकर देखना होगा, दिया होगा यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट 2019। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। मैं यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालकर सबमिट करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाल के सबमिट किया, मेरे सामने रिजल्ट आ गया है बीएड का, जो हमने अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, नेम, रीजनल सेंटर कोड, कैटेगरी, मार्क्स और बाकी सभी स्टेटस भी दिया हुआ है कि क्वालिफाई है या नहीं है। तो यहाँ पर जो ये कैटेगरी है इनकी, वो एससी कैटेगरी है और मार्क्स इनके 65 आए हैं। स्टेटस क्वालिफाइड लिखा है, यानी कि इन्होंने बीएड एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड कर लिया है। सो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर अगर क्वालिफाइड दिया हुआ है तो हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके स्टेटस में क्वालिफाइड दिया हुआ है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज रिजल्ट आने के बाद जो प्रोसीजर होता है वो सारा का सारा आपके रीजनल सेंटर पर ही कंडक्ट होगा। इनकी काउंसलिंग कब होगी, ये सभी बातें आपको आपके रीजनल सेंटर से पता चलेंगी, जो रीजनल सेंटर आपने एडमिशन रिलेटेड टाइम चूज़ किया था। तो यहाँ पर इसके बाद आपको करना क्या होगा, जब आपका रिजल्ट शो हो रहा है क्वालिफाइड, तो देन आप अपने रीजनल सेंटर जाएं, जो रीजनल सेंटर आपने सेलेक्ट किया है उस रीजनल सेंटर जाके आप पता करें कि कब आपकी काउंसलिंग होगी और कब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी, बिकॉज वहाँ पर आपकी एक फ़ाइनल मेरिट बनेगी। जितनी सीट उस रीजनल सेंटर पर अवेलेबल होंगी उसी के अकॉर्डिंग सीट जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी उसको तैयार किया जाएगा। अगर आप उस लिस्ट में आ जाते हैं देन आप क्वालिफाइड हो जाएंगे और आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको आपके रीजनल सेंटर से पता चलेगा। सारा प्रोसीजर ऑफलाइन है तो ऑनलाइन आप कुछ चेक नहीं कर सकते हैं। देन अब चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं और मोस्टली वो सभी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम वहाँ पर फिल किए होंगे। सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखें तो लिस्ट कुछ इस तरह से है जो आपके सामने है। यहाँ पर जो प्रोग्राम फीस दे रखी है वो दे रखी है आपकी 20,000 रुपये, यानी आपको टोटल फीस 20,000 रुपये पे करनी होगी अपनी बीएड के लिए। और यहाँ पर फीस पे करने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा इग्नू के फेवर में, जो पेबल होगा न्यू दिल्ली में। बाकी उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो है आपका ओरिजिनल एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड, यानी कि आपका होल टिकट जो आपको एंट्रेंस से पहले मिला था एंट्रेंस देने के लिए। साथ ही साथ आपको एक फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत भी पड़ेगी। फ़ोटोग्राफ हो सकता है आपके 2 से 3 भी लग जाएं, बट यहाँ पर जो लिस्ट में दिया हुआ है वो सिर्फ एक दिया हुआ है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पर है वह रिजल्ट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम इग्नू वेबसाइट, यानी कि जो ये आपका रिजल्ट है ये आपको इसकी कॉपी निकलवा के इसको भी लेके जाना होगा। साथ ही साथ नीचे और भी डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, जो जो
जिनकी जो कंपलसरी हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। जो आपने फॉर्म में फिल किए होंगे वो डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, और जो आपका आपका रीजनल सेंटर आपको बताएगा उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको देना होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपने बीएड एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो आप अपने रीजनल सेंटर जाएं और वहां जाकर पता करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, देन उसके बाद ही आपको एडमिशन मिल सकता है। बट इस चीज़ को लेके कंफर्म ना हो कि अगर आपका स्टेटस क्वालिफाइड शो कर रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज स्टेट के अकॉर्डिंग इनकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे ये डिसाइड होगा। सो ये है डॉक्यूमेंट की कुछ लिस्ट, इस लिस्ट को मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक भी दूंगा जहाँ से आप अपना डायरेक्ट लिंक चेक कर सकते हैं अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आई होप ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो जिन सभी ने बीएड एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज जल्दी ही आप सभी भी यूनू के स्टूडेंट बन जाएंगे और आप सभी बीएड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप इस चैनल पे आने वाली सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं पा सकते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।